और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 यामाहा MT-15 का। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा पूजा श्री यामाहा ऑटोमोटिव और उनकी पूरी टीम का, और स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर संदीप जी जो कि वहां के मैनेजर हैं, जिन्होंने हमें बाइक प्रोवाइड कराई ताकि उस बाइक का डिटेल्ड रिव्यू मैं आप सभी तक लेकर आ सकूं। और हाँ दोस्तों, पूजा श्री यामा ऑटोमोटिव की सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, और अगर आप छिंदवाड़ा या परासिया के आसपास रहते हैं तो एक बार आप इस शोरूम पर विजिट ज़रूर करें। और अगर आप अभी यामा MT-15 बुक करते हैं या बाय करते हैं तो आपको दो गिफ्ट चॉइसेस के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप हेलमेट लेना चाहते हैं तो आप हेलमेट ले सकते हैं, या फिर आप राइडिंग जैकेट भी ले सकते हैं। तो इन दोनों ही गिफ्ट में से आपको एक गिफ्ट मिल सकता है। दोस्तों, MT-15 के लुक्स और डिज़ाइन के बारे में बात किया जाए तो इसका लुक्स और दूसरी 150cc की बाइक के मुकाबले काफ़ी मस्कुलर और स्पोर्टी है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बाइक का जो वेट है वो है 138 kg, तो बाइक काफ़ी लाइट वेट है। आपको कॉर्नरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब बाइक आपको ज़्यादा हैवी फील नहीं होगी, आप इसको कम्फर्टेबल राइड कर पाओगे। और दोस्तों, बाइक का जो एक्सटेंशन पोर्शन है वो काफ़ी मस्कुलर और एरोडायनेमिक है, जिसके कारण अगर आप बाइक में स्पीड राइडिंग करते हैं तो जो एक्सटेंशन है वो एयर को काफ़ी अच्छे से फ्रीली पास करते हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी स्पोर्टी फील होता है। दोस्तों, बाइक का जो मेन एग्रेसिव पार्ट है वो है इसका फ्रंट मास्क। इसके फ्रंट मास्क को सेम ट्रांसफॉर्मर टाइप में डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही आप नाइट में इसकी तीनों लाइट्स को ऑन करके राइड करोगे तो ऐसा फील होगा कि एक बीस्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दोस्तों, MT-15 में आपको VVA टेक्नोलॉजी मिलती है। इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। दोस्तों, इसका वर्क ये है कि जब भी आपकी बाइक 7400 RPM की स्पीड लिमिट को क्रॉस कर देगी तो ये VVA सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, फिर आपको और भी ज़्यादा पावर और परफॉर्मेंस मिलेगा। और हाँ दोस्तों, बाइक के टैंक पर आपको जैपनीज प्रिंटेड MT का ब्रांडिंग मिलेगा, जो बाइक को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है। दोस्तों, इस बाइक में आपको यही एक वेरिएंट मिलता है, डुअल डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS। दोस्तों, एक डिसएडवांटेज मेरे को इसमें लगा है, वो इसलिए कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलना था, क्योंकि अगर मैं 2 या 3 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करूँ तो मेरे को इसी सेगमेंट में R15 V3 मिल जाएगी, जिसमें मेरे को डुअल चैनल ABS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, सिंगल चैनल ABS भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, इस बाइक में आपको दो कलर अवेलेबल हो जाते हैं, एक मेटेलिक ब्लैक और दूसरा डार्क मैट ब्लू। और जो कलर मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है डार्क मैट ब्लू। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि MT-15 का कौन सा कलर आपको पसंद है। और दोस्तों, इस बाइक का जो प्राइस है वो है 1,59,000 ऑन रोड दिल्ली। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको बैटमैन डिज़ाइन में फाइबर का मास्क मिलता है, जिसमें आपको कॉर्नर्स पर आईब्रो शेप में दो LED लाइट्स मिलती है, और LED लाइट्स के जस्ट नीचे सेंटर में आपको प्रोजेक्टर बल्ब मिलता है, जो बाइक को काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। और दोस्तों, ये तीनों ही LED लाइट्स मेनली नाइट में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव लुक देती है, और एक स्पोर्टी अपीयरेंस ये फ्रंट से शो करती है, और फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स इसमें आपको मिलते हैं। रियर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो पीछे आपको ड्यूक 200 की तरह मिलता जुलता LED टेल लाइट मिलता है, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और ये टेल लाइट बाइक को एक स्टाइलिश लुक भी देती है। और नंबर प्लेट को नाइट में विजिबल कराने के लिए यहाँ आपको एक येलो कलर का बल्ब भी मिलता है, और क्लियर लेंस इंडिकेटर्स इसमें आपको मिलते हैं। दोस्तों, इंजन इसमें सेम R15 V3 का लगाया गया है, 155cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOHC लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन इसमें लगाया गया है, जिसमें आपको 19.3 PS एट 10,000 RPM की पावर और 14.7 Nm एट 8,500 RPM का टॉर्क मिलता है। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6 मिलते हैं, और फ्यूल कैपेसिटी इसमें आपको 10 लीटर्स की मिलती है। अगर माइलेज के बारे में बात किया जाए तो आप इससे अराउंड 45 to 50 तक का माइलेज गेन कर सकते हो। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। दोस्तों, LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको क्लॉक, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर और फ्यूल गेज
मिल जाता है और आपका न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर और लेफ्ट राइट इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल जाता है। स्विच गियर क्वालिटी दोस्तों यामाहा की हमेशा से ही अच्छी रही है और जो बाइक की हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। सारे बेसिक से स्विचेस इसमें आपको मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच, आपका हाई बीम लो बीम स्विच और राइट हैंडल बार पर आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है और हैंडल की जो ग्रिपिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और यहाँ मडगार्ड पर आपको फेक कार्बन फाइबर का फिनिशिंग टच मिलता है जो बाइक को एक डश की लुक देने में हेल्प कराता है। यहाँ व्हील पर आपको नियॉन येलो कलर का राउंड स्ट्रिप मिलता है जो बाइक को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है। 282 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS का सेंसर प्लेट भी देखने को मिल जाता है। 110x70 का टायर साइज मिलता है विद 17 inches व्हील साइज। रेयर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन मिलता है और 140x70 का टायर साइज मिलता है विद 17 inches व्हील साइज। दोस्तों पीछे के व्हील में आपको किसी भी तरीके का RLP सेंसर या स्पीड सेंसर नहीं मिलता है। नॉर्मल 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विद ट्यूबलेस टायर। दोस्तों इसमें आपको 810 mm की यूनिबॉडी सिंगल सीट दी है जिसमें अगर आप दो लोग बैठकर राइड कर रहे हो तो जो राइडर है और जो पिलियनर है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जो सीटें कुशनिंग है, जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और सीट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होनी थी क्योंकि ये इतनी स्पेसफुल सीट नहीं है जिसमें आप इमरजेंसी पड़ने पर तीन लोग बैठकर राइड कर सको। और दोस्तों पिलियन पैसेंजर के लिए जो ग्रैब रेल दिया जाता है वो आपको सीट के पीछे नहीं मिलता है, वो आपको पिलियन सीट के जस्ट नीचे मिलता है जिसके कारण जो बाइक का लुक है वो और भी उभर कर आता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आप लोग की रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। और दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू यामाहा MT-15 से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।